इनके जो इनके मुखालफीन हैं उनको सियासी इंतकाम का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और गुज़िश्ता रात भी चौधरी परवेज़ अलाई के गुजरात घर की चादर और चार दीवारी के तकद्दस को जो है वो पामाल किया गया। और ये एक ऐसा डाकू राज पाकिस्तान के अंदर कायम है जिनको ना आईन का ख्याल है ना इनको कानून का ख्याल है। ये पाकिस्तान को सल्तनत शरीफिया बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मुग़ल दौर के अंदर अकबर लॉ आया था, ये कहते हैं कि शरीफ लॉ बना दिया जाए। इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहिए, इनको शरीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहिए, जहां पर जो जजेज हैं जिस तरह शहबाज शरीफ जस्टिस रिटायर्ड क्यूम मरहूम को टेलीफोनों के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले लिखवाया करते थे, इनको वो आदतें पड़ी हुई हैं। और जहां इनके सामने कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करने वाले जजेज हों ये उनकी करदार कशी करते हैं, ये उनके ऊपर ज़ाती हमले करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी की जो सूरत हाल कायम की गई है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इनकी है। आज पिछले एक साल में जो इमरान खान ने पाकिस्तान को बड़ी मेहनत से कोरोना से भी बचाया था, पाकिस्तान की बरामदाद ऊपर जा रही थी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई उस सतह के ऊपर नहीं थी जो आज से एक साल इस फासिस्ट हुकूमत के दौरान हुई है। महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं, 38% महंगाई पहुंच गई है। गरीब आदमी दो वक्त की अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सकता। और ये इनकी फिक्र क्या है कि मजाकरात के नाम के ऊपर मजाक करो। एक तरफ इसहाक डार हैं, वो कहते हैं जी आए हमारे साथ बैठ के बात करें, दूसरी जानब जो है वो ख्वाजा आसिफ है, जावेद लतीफ है, वो और बयान दे रहे हैं। वो किससे हदायत ले रहे हैं? क्या वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं है? जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें वाहिद रास्ता मुल्क में फुल फॉर एक दिन में इंतखाबात हैं, ताकि मुल्क के अंदर बेयकीनी गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो सके। कल आपने देखा लेबर डे के मौका के ऊपर पूरी दुनिया में मुजाहरे होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है, पेशावर में दफ़ा 144 है, इनका बस चले तो ये पूरी ही मुल्क में दफ़ा 144 लगा के रखें, किसी को मूवमेंट की भी इजाज़त ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, इस मुल्क ने आईन और कानून के मुताबिक चलना है। और इमरान खान ही वाहिद इस मुल्क की कौम की उम्मीद है जो पाकिस्तान को इस दलदल से, पाकिस्तान को इस गैर यकीनी की सूरत हाल से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। शिकस्त के खौफ से ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। और आखिर में एक बात मैं करना चाहूँगा, ये जो पनामा रानी है मरियम सफदर है, जिसकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो एक बात बार बार करती थी, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अब पूरी नून लीग बशमूल मरियम सफदर का ये हाल है कि वोट का नाम ही ना लो, यानी कि वोट का नाम ना लो, इलेक्शन का नाम ना लो। तो ये वोटों को इज्जत देने वालों ने आजकल जिनको इज्जत दी हुई है वो आपके सामने है, किसी से ढके छुपे नहीं है। बहुत शुक्रिया। पर भाई एक बात बताइएगा, नून लीग जो एक गंदी सियासत का एक उन्होंने काम सिलसिला शुरू किया है, अब ऑडियो वीडियो मजीद जो है सुना है कि इमरान सिंह साहब की वीडियो लीक हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें बात ये है, ये टोटा साज फैक्ट्री की जो मौजद है वो मरियम सफदर है, ये फैक्ट्री टोटों की रायवंड में लगी हुई है। जिस दिन इनका अपना कोई टोटा बाहर आ गया ये टोटे टोटे हो जाएंगे।